हेलो गाइस, सो ये मैं आपको बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस दूंगी। जैसे हम अपना ज़िंदगी जीते हैं ना, ज़िंदगी का सफ़र, तो मुझे ऐसे लग रहा था ये वीडियो की क्लिप्स ऐसे हैं ना कि ज़िंदगी का सफ़र जैसा है। हमारा चल रहा है, गाड़ी है ना, हम जा रहे हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये मैसूर के मैसूर पैलेस का ये मतलब ये जगह मैसूर पैलेस ही है। तो यहाँ पे हम निकल गए थे अपनी एक छोटी सी ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी ट्रिप में। ये रास्ते हमारी ज़िंदगी भी ना कुछ ऐसे ही सफ़र काटती है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी शाम, कभी सुबह, कभी अच्छे, कभी बुरे। तो यहाँ पे हम बस अपनी ट्रैवलिंग पे लगे पड़े हैं। ये ट्रैवलिंग का मैंने प्रॉपर शूट नहीं किया है, बट जितने भी मेरे पास क्लिप्स हैं ये मेरे को बहुत ही प्यारे और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। सो आई थॉट कि आपसे भी मैं ये क्लिप शेयर करूं, और इस क्लिप को देख के मेरे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना वो भी बताऊं। कितना ब्यूटीफुल है ना ये जगह, ये रास्ते। कभी कभी ऐसे ही लगता है ना, मन करता होता है कि बस आप ऐसे ही ट्रैवलिंग करो, बिना कोई डेस्टिनेशन, बिना कोई जगह के। आप हर चीज़ें देखो, फील करो, आपके आजू बाजू जो हैं नेचर्स, घर, पत्ते, नदियाँ, पानी, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाइनली हम फॉरेस्ट पे आते हैं। ये हमारा वायनाड के रास्ते पे है। तो ये फॉरेस्ट पे आते ही आपको ऐसे गेट मिलेंगे, एंड यहाँ पे ये एनिमल्स को देखो, कितना वो लोगों का भी लाइफ कितना अजीब है। वो लोग घूमते फिरते, खाते पीते, मस्ती में अपने दिन बिताते हैं ना। कोई आ रहा है, जा रहा है। ये डियर है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बहुत सारे डियर्स ऐसे ही रास्ते पे ही मिल जाएंगे। कितने ब्यूटीफुल हैं ये लोग, ये लोग अपना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरा जंगल ही जंगल है। देन आगे जाके आपको हाथी भी देखने मिलेगा। ये देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, छोटा सा यहाँ पे जो मूवमेंट कर रहा है, ये यहाँ पे एक एलिफेंट का बच्चा है। तो यहाँ पे एलिफेंट है, यहाँ पे मंकीज़ भी बहुत सारे थे। ये देखो, इन लोगों को मैंने खाने दिया, ये लोग खा रहे थे। यू नो, सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। यहाँ पे रास्ते पे ये एलिफेंट दिखा, क्योंकि आप केरला, वायनाड अगर इस एरिया में आओगे तो आपको बहुत सारे एलिफेंट्स देखने मिलेंगे। सो एलिफेंट देखने मिल गए, तो एलिफेंट जा रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर बारिश, सडनली बारिश शुरू हो गई। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट वायनाड नहीं, कोची पहुँच चुके थे। ये कोची का ही है। सो ये हम कोची आ गए थे, तो कोची में बहुत बारिश हो रहा था। नो, दिस इज़ वायनाड ओनली। वायनाड में बारिश हो रहा था, इसके बाद हम कोची के लिए निकलेंगे। हाँ, दिस इज़ वायनाड, हम इसके बाद कोची के लिए निकलेंगे। तो वायनाड का आपको पता है कि वो प्लेस, वो जगह, पता नहीं, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। 100 बार जाऊँ, 200 बार जाऊँ, मुझे बहुत प्यार है उस जगह से। वो हिली एरिया जो है वहाँ पे, जो मैंने टाइम स्पेंड किया हुआ, जो मेरे मेमोरीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है मेरे लिए। मैं वो चीज़ें कभी नहीं अपने लाइफ से भुला सकती। कोई कोई चीज़ें इतना आपको टच कर जाती है ना कि आपको मन करता है कि आप वहीं जाओ। सी दिस व्यू, दिस नेचर। फिर शाम हो गई, शाम में भी हम ट्रैवलिंग कर रहे थे। सी द स्काई, कितना प्यारा है। हमेशा ऐसे स्काई के कलर्स चेंज होते रहते हैं। सी द स्काई कलर नाउ, वो थोड़े शाम हो रही थी, उसके बाद ये थी, फिर इसके बाद रात हो जाएगी। सी कितना मतलब जंगल जंगल है ये, कितना ब्यूटीफुल है। और ये हिल के पूरे बीच में ये सिटी है, यहाँ पे ये मार्केट है। धीरे धीरे शाम हो रहा है, तो शाम की भी मज़ा कुछ और है। बट हमारा सफ़र ऐसे ही चल रहा था। दिस इज़ एग्जैक्टली हमारी ज़िंदगी जैसी है ना, वैसी ही है। बस ज़िंदगी चलती रहती है, बट ज़िंदगी के बीच में सुबह, शाम, बारिश, धूप, आप उसको रिलेट कर पाओगे, मतलब अपने लाइफ के साथ वैसे ही आता जाता रहता है। बट ज़िंदगी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। जहाँ ज़िंदगी स्टॉप होती है, नो मैटर वहाँ पे शाम हो, सुबह हो, रात हो, दिन हो, बस वहीं आपकी ज़िंदगी रुक जाती है। फिर हम यहाँ पे मॉर्निंग में हम डोसा खाने के लिए निकले थे, तो ये डोसा बन रहा था यहाँ पे। यार, यहाँ का जो खाना पीना है ना, स्पेशली केरला साइड का जो खाना पीना, आई लव्ड इट। कोकोनट ऑयल से बनता है सारी चीज़ें, एंड आई रियली लव इट। बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे डोसा बन रहा था, तो हम पूछ रहे थे कि कौन कौन सी डोसा बनता है। तो बोल रहा है कि
सारा डोसा आपको मिल जाएगा, एक डोसा मसाला जो जो से आप खा सकते हो वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये मस्त से अपना डोसा बना रहा था, सो वी वॉज जस्ट वेटिंग फॉर आर टर्न। देखो ये अंडे वाला डोसा हमने पूछा था, सो ये अंडे वाला डोसा बना रहा था, अच्छा ही बना रहा था। लोग अपने अपनी काम कर रहे हैं ना, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, किसी का कोई कोई जॉब कर रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। लाइफ में हर एक चीज़ आपको एंजॉय करनी चाहिए। पता नहीं कल क्या हो, आपको जो ज़िंदगी आपको मिली है किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट करके या फिर ज़्यादा सोच के, लाइफ को वेस्ट करके, टाइम वेस्ट करके, ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट इन्जॉय द डे, इन्जॉय द मोमेंट जो आपको मिल रहा है। ऐसे ये प्लेट रेडी हो गया है, सांभर चटनी। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं एक फॉरेस्ट घूमने के लिए। यहाँ पे हमारी प्लान कुछ और थी बट वो हो नहीं पाया, बिकॉज़ कोविड के बाद हम जंगल सफारी में जाने वाले थे विद एलिफेंट, वो हो नहीं पाया। देन फिर हम ये खाना खाते हैं, दिस ऑल अबाउट कोची का खाना। तो जनरली हम कोची जब भी जाते हैं तो वी यूज़ टू ईट ओनली फिश, तो टूना फिश एंड जो बड़े फिश होते हैं वो तो हम वो खा नहीं पाए, तो हम ये खा रहे हैं।